हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बजे है 4 और मैं अभी सोकर उठी हूँ और मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 4 बजे शाम के जो भाई काम कर रहे हैं उनको मैं चाय देती हूँ। कितनी भी गहरी नींद हो, कितनी भी थकावट हो, 4 बजे उठना ही है और चाय बनाकर देना ही है, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे फिर छुट्टियाँ हो जाती है उनकी। और मैंने सोचा मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अभी इसी तरह के मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं बहुत बहुत अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगी, क्योंकि जिस घर में मैं रह रही हूँ ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मतलब कि सामान से भरा हुआ है। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना काम भी बढ़ जाते हैं उस हिसाब से। और अब से आके जो भी करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्या हुआ ना, जैसे भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि हॉल जो था वो तोड़ा गया है, तो वो टूट चुका है। अब जो धूल मिट्टी का काम था वह नहीं है, लेकिन 2 दिन हो गए हैं सफाई करते करते और मेरे ब्लॉग भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि इतनी थकावट बन जाती थी, बिल्कुल भी सूट करने का मन नहीं करता था और बहुत ज़्यादा मतलब धूल चढ़ चुकी थी पूरे घर में। तो अभी ना सारे घर की धूल मिट्टी हम सब लोगों ने, मतलब मैंने और जो सिस्टर काम करती है उन्होंने मिलकर साफ कर लिया पूरे घर को। अभी थोड़ा सा हिस्सा किचन का बचा हुआ है, जो कि मैं भी दिखाती हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं यह हिस्सा है वह जो मेरा पूरी तरह से डस्ट, इस पर डस्ट चढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं माइक्रोवेव पर और यहाँ पर मेरी मसालेदानी और इस तरह से यह हिस्सा, क्योंकि ना देखो मेन गेट यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और वहाँ से सामने को डस्ट चढ़ना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है। फिर भी ना यहाँ पर धूल मिट्टी आई हुई है, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब धूल मिट्टी नहीं आएगी। तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद क्या क्या करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पर बर्तन, जो कि इसको रैक में लगाना है, क्योंकि पुराना टोकरा पूरा फुल भरा हुआ है। और लंच करने के बाद जो बर्तन होते हैं वह यहाँ पर, ये बर्तन अभी लगे हुए हैं और कुछ मॉर्निंग के थे, जो कि यह पूरा भरा हुआ है। तो अभी जैसे कि मुझे किचन साफ़ करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बर्तन लगा देती हूँ पहले, फिर मुझे स्पेस मिल जाएगा सफाई करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कपड़ों में, यानी कि जो भी कटोरी की रैक है कटोरी में और ग्लास की है ग्लास में, इस तरह से व्यवस्थित कर दूँगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और दोपहर में उठी थोड़ा सा, और 2 दिन ब्लॉग भी नहीं गए काम की वजह से, थकावट की वजह से भी। तो मैंने सोचा, हिम्मत जुटाई कि चलो जैसा भी होता है मैं शूट कर लेती हूँ। जब ब्लॉग नहीं जाते ना तो बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं अपनी किचन में आई थी काम करने के लिए, तो किचन गंदा था, तो मैंने सोचा मैं इसको अपनी यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ और अपना ब्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि यह भी एक देखने में छोटा काम लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत समय लगता है साफ़ सफाई करने में। चाय का तो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन खाली कप आ गए हैं, आप देख सकते हैं खाली कप आ गए हैं। अभी इनको धुलना है, तो बर्तन वगैरह लगा दिए हैं और अभी बर्तन को धुलना है और यहाँ पर ये जो कोना है इसकी सफाई करनी है, और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। किचन एक ऐसी जगह है जिसमें सफाई हर समय होती है, लेकिन यहाँ पर सफाई हर समय होती रहती है। माइक्रोवेव पर यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है ये मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि ना अखबार वगैरह लगा हुआ था, और मेज पर ये इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ना इसको मैं कम ही चला पा रही हूँ, और बस इसके ऊपर ये न्यूज़पेपर वगैरह रख के अच्छे से साफ़ करके छोटी मोटी चीज़ें रख लेते हैं, जैसे कि किचन में छोटे छोटे डब्बे, जैसे नमक, काला नमक, चाट मसाला के, तो उस तरह से चीज़ें मैं रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं चला पा रही हूँ और इस पर बस वही साफ़ सफाई नहीं हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ, और ये जो पहला वाला न्यूज़पेपर था उसको हटा के मैं दूसरा वाला लगा दे रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी सामान हैं सबको साफ़ करके यहाँ पर मैं इनको लगा दूँगी फिर से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे काम होते हैं जो कि देखने में लगते हैं ये कि छोटा काम है, हो जाएगा, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब अच्छे से करते हैं ना
तो बहुत बहुत ज़्यादा समय लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 4 बजे चाय देके भाई लोगों को, उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई थी और बच्चे गए थे ट्यूशन, तो मैंने सोचा बच्चे आते हैं तब तक मैं ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चे आके फिर कुछ ना कुछ अपना ना शाम का छोटा मोटा खाने का मांगते हैं और फिर शाम को डिनर की तैयारी करने का समय हो जाता है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि अभी घर में काम चल रहा है तो बहुत काम बढ़ भी गए हैं, तो आप देख सकते हैं मसालेदानी को सबूत दिखा रही हूँ आपके सामने, क्योंकि वीडियो में बोलना है कि यहाँ पर डस्ट चढ़ी हुई है ये वो, तो यह झूठ बात नहीं होती है, बिल्कुल सच होती है। और मैं अपने ब्लॉग में सच्चाई के ही कारण मेरे ब्लॉग होते हैं, मैंने हमेशा बोला है जैसी मैं हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ उस टाइम घर पर वैसे ही मैं कैमरे के सामने आ जाती हूँ, तो वैसे ही मेरी सच्चाई है, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मसालेदानी है जिनके मैं ये ढक्कन जो है टाइट कर रही हूँ, क्योंकि इनको मुझे साफ़ करना है। इनको पूछने से काम नहीं चलेगा, जैसे कि ऊपर कपड़ा मारने से काम नहीं चलेगा, तो इनमें जो चीज़ें रखी हुई हैं उनको मैं साफ़ करना है। तो पहले इनके ढक्कन टाइट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, इनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। जब मेरी किचन बनी थी तो कुछ इस तरह के काफ़ी पीसेस बच गए थे, तो ये पड़े हुए थे तो मैंने इनको निकाला और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिप पर ये मेरी मसालेदानी रखने के काम आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि कुछ पड़ी हुई होती हैं या हमारे काम की होती हैं, हम रख देते हैं उठा के, वो एक सही समय पर काम आ जाती है। वैसे ही ये लकड़ी के टुकड़े जिनके ऊपर सनमाइका लगी हुई है, ये मेरे मसालेदानी के काम आ गए। ऐसे ही स्लिप पर रखेंगे तो हर समय जब स्लिप की सफाई होती है तो बार बार मसालेदानी को हटाना पड़ता है। जब मैं इनके ऊपर रख देती हूँ तो मेरी मसालेदानी एक तरफ अच्छे से रखी रहती है, क्योंकि जब इसके आसपास गंदगी होती है तभी साफ़ करती हूँ, वरना एक ही जगह रखी रहती है। आप देख सकते हैं लकड़ी जो थी उसको भी मैंने वहाँ पर साफ़ करके लगा दिया है। यहाँ पर ये मसालेदानी के जो भी ये मतलब छोटे डब्बे हैं इनको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये जितने भी मसालेदानी के डब्बे थे इनको मैं धुल ले रही हूँ और धुल के मैं यहीं पर बर्तनों के टोकरे में रख दे रही हूँ, और धुलने के बाद थोड़ी देर इनको ऐसे रखे रहने दूंगी, क्योंकि ना गर्मी का मौसम है, बिल्कुल जल्दी से ही सारी चीज़ें सूख जाती हैं, तो पूछने की ज़रूरत पड़ेगी तो पूछ लूँगी, वरना ऐसे ही लगा दूँगी। आप देख सकते हैं तो इनका पानी झड़ चुका था, आप देख सकते हैं मसालेदानी का जो स्टैंड है इसको मैंने कपड़े से पूछ लिया है और सारे ये जितने भी मसालेदानी के डब्बे हैं इनको मैंने अच्छे से झाड़ लिया है, कुछ को पूछ लिया जिन पर पानी था और यहाँ पर मैं इसको लगा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 4 बजे से लगी थी और करीब करीब मुझे 5:30 बज गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ना पूरा 1.5 घंटा लग गया और पूरी साफ़ सफाई करने में। आप देख सकते हैं समय मैंने देखा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मसालेदानी होगी एकदम क्लीन, और यहाँ पर अपने मसाले को हम जो चाहिए वही घुमा के निकाल सकते हैं, और ये मेरे ज़रूरत के मसाले होते हैं जो कि हमें हर रोज़ किचन में चाहिए ही। आप देख सकते हैं किचन का वही कोना है जिसको मैंने साफ़ किया है, अब अच्छे से साफ़ दिख रहा है और ऐसा ही रहता है हमेशा, लेकिन डस्ट की वजह से थोड़ा सा गंदा हो ही गया, धूल दिखाई नहीं देती है, अंदर तक सारे घर में घुस जाती, पता नहीं कहाँ, कभी कभी हम कहते हैं कि हम तो रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, पता नहीं ये धूल कहाँ से आ जाती है। तो वही वाला हिसाब है कि साफ़ सफाई करने के बावजूद भी डस्ट इतनी चढ़ गई, और फिर इसको हर रोज़ साफ़ किया जा रहा है, लेकिन अब नहीं आएगी, अब डस्ट का काम जो था वह ख़त्म हो गया है, काम चल रहा है प्लाट में, तो बस सब कुछ दिन में लेंटर की तैयारी हो जाएगी और बस कुछ यहाँ पर मतलब कि कुछ कमरों की दीवारें बनना बाकी रह गई हैं, और बाकी तो अब जल्दी से ही लेंटर की तैयारी के समय आ जाएगा, तो फिर तो बहुत अच्छे से स्पेस हो जाएगा व्लॉगिंग करने के लिए। तो यहाँ पर स्पेस तो मेरा इस घर में भी पूरा है, लेकिन वही है कि अभी काम चला तो इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपनी मसालेदानी को अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो मेरे बर्तन पड़े हुए थे सिंक में मैं साथ के साथ उनको भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ना बच्चे हर समय कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं तो बर्तन गंदे होते ही हैं, और आप देख सकते हैं तो मैं साथ के साथ इनको भी धुल ले रही हूँ। कहने का मतलब है कि यह पूरी इवनिंग की जो हमारी साफ़ सफाई होती है
तो यहाँ पर खाना बनाने से पहले मेरी ये साफ़ सफाई ये अलग से निकल के आ गई जिसको मुझे करना ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और सारे इधर जो भी चीज़ें थी सबको साफ़ कर लिया है मैंने, और यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं, सिंक को भी मैंने साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर मैं स्लिप को भी पूछ ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को साफ़ कर लिया, और सफाई हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।